हेलो सीमा, फ्रॉम नासिक। सीमाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अमृतसरी कुलचा सिखा रही हूँ। आलू कुलचा है और तंदूर में बनने वाला कुलचा हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं, तो चलो सीखते हैं अमृतसरी तंदूरी कुलचा। जैसे कि हम लोग आज अमृतसरी कुलचा बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये मैंने पिठी शक्कर ली है, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, सोडा और नमक। ओके, ये सबको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें एक्चुअली चिल्ड वाटर यूज़ करना है। ये मैंने बटर लिया है, बटर यूज़ कर सकते हो, मैंने घी लिया है। एक्चुअली पंजाबी, अमृतसरी, कुछ भी हम लोग जो भी डिश बनाते हैं उसमें घी बटर का यूज़ अच्छे से होता है। और इसमें मैं दही यूज़ करूँगी, दही भी 1 टीस्पून थोड़ा सा। ये एक्चुअली टेक्सचर देता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कर्ड की वजह से, और एक अच्छा टेक्सचर भी आता है कर्ड की वजह से। ओके, जस्ट मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे रफली। और इसके बाद इसको ठंडे पानी से गूंद लेना है। चिल्ड वाटर चाहिए फ्रिज का, और ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम डो हमको इसका बनाना है। मैं अभी इसका डो बना लेती हूँ। ये एक्चुअली हम लोग तंदूरी कुलचा बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको, मैं कुकर में कैसे बनाना है, घर पे तंदूर नहीं है आपके, तो तंदूर किस तरीके से आप तंदूर का ये कर सकते हो वो चीज़ बताने वाली हूँ। इसीलिए मैंने एक्चुअली गैस पे कुकर को, सिर्फ खाली कुकर को गर्म करने के लिए रखा है। ये बन जाए तो मैं आपको दिखा दूँगी कि हमको कैसे यूज़ करना है उसका। इस तरीके से मैं अच्छे से डो को प्रिपेयर कर लूँगी। ओके, जैसे मैंने डो को प्रिपेयर कर लिया है। डो को प्रिपेयर करके इसमें एक्चुअली बेकिंग पाउडर, सोडा डाला है। इसके लिए मुझे, देखिए, 1/2 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी लगा, यानी 1 कप पानी लगेगा। और इसको मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से ढक के रखूँगी, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा और दही है, तो वो थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए हेल्प हो जाएगी। तब तक हम लोग इसका बैटर जो है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। ये बैटर के लिए मैंने अनियन को चॉप अनियन लिया है, एकदम फाइनली चॉप। जितने पोटैटो लिए हैं उसके एग्जैक्ट हाफ क्वांटिटी में आपको प्याज लेनी है। ये ग्रीन चिलीज भी कट करके लिए, और कोरिएंडर। ओके, और इसमें मैं डालूँगी पोटैटो, ये मैंने बॉईल करके लिया है। थोड़ा सा, एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए ये कुलचे के लिए। कुलचे में थोड़ा सा क्रीमी वाले बटर्स चाहिए, तो ये ध्यान रखना, क्रीमीनेस नहीं हो आपके बटर में, तो थोड़ा सा उसमें आप मक्खन मिला सकते हो। मक्खन मिला के उसमें क्रीमीनेस लाना है, मगर पोटैटो अपना क्रीमी चाहिए। ये मैंने लिए है पोटैटो, और ये जो है ये मैंने धनिया और जीरा को ऐसे रफली पीस लिया है, एकदम एकदम रफली। ये फ्रेश ही डालना है, फ्रेश पीस के, इसका टेस्ट मैटर करता है इसमें। ओके, और इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाता है, ग्रीन चिली का जो तीखापन है वही इसके लिए यूज़फुल होता है। ओके, और इसमें मैं डालूँगी नमक। बस ये हो गया हमारा बैटर, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एकदम क्रीमी होना चाहिए, ड्राई नहीं, सूखा सूखा नहीं चाहिए। ये हमारा बैटर बनके रेडी है। देखिए, हम लोग अमृतसरी कुलचा बना रहे तंदूर वाला। हमारे पास तो घर में हर किसी के तंदूर नहीं रहती, तो हम लोग कुकर को ही तंदूर जैसा यूज़ करेंगे। ये मैंने कुकर लिया है, नॉर्मल कोई भी जो साइज़ का आपके पास कुकर वो लीजिए। इसको अच्छे से गर्म करना है, पूरा ऐसे उसके वॉल्स सारे पूरे राउंड करके अच्छे से गर्म करके लेना है। और ये मैंने लिया है पानी, और पानी में डाला है नमक। ओके, नमक अच्छे से क्वांटिटी में डालिएगा, ये नमक इसमें घुल जाए तो ये नमक हमको ये कुकर में छिड़कना है। ये पानी से क्या होगा, जब आप कुलचा इसमें लगाओगे तो वो चिपक
चिपकेगा, नीचे नहीं गिरेगा, इसीलिए ओके लाइक दिस। देखिए ये इसका सीक्रेट है कि आप ये नमक का पानी कंपलसरी इसमें डालिए। देखिए ये पूरा नमक का पानी, नमक से पूरी वॉल ऐसे ये होनी चाहिए। अभी भी गैस चालू ही है मेरा, ओके। तो अभी हम लोग कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। ये मैंने डो लिया, ओके। इसकी अच्छे से गोली बनानी है, हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अगर ये आपका चिकना नहीं होगा स्टफिंग, तो क्या हो जाएगा, आपका कुलचा फट जाएगा, इसीलिए स्टफिंग एकदम चिकना होना चाहिए। देखिए ये मैंने लिया बैटर, मैंने इसमें स्टफ किया। और इसको आटा लगा के नहीं बेलना है हमको, इसको बेलना है ऑयल लगा के, और ये थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, एकदम पतला नहीं, ओके। ये हो गया, थोड़ा सा हाथ से इसको फैला लीजिए। ये मैंने यहाँ पे लगाया ऑयल, तो मैं इसको अभी बेलन से थोड़ा सा हल्का सा बेलूँगी, साइड से ही बेलना है इसको। इसमें आप लोग पनीर भी डाल सकते हो, आलू पनीर कुलचा हो जाएगा। अभी मेरे पास कोयला है नहीं, तो आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हो। पूरा बनने के बाद अंदर गरम वाला कुकर में कोयला डालिए, उसके ऊपर घी डालिए और ऊपर से कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। 1 मिनट उसको रखिए और फिर कुलचा निकालिए, तो एकदम आपको तंदूर जैसा टेस्ट आ जाएगा। देखिए ये चिकट वाला अपना थोड़ा सा ये था, इसीलिए अगर रफ रहता तो इसमें से आपका बैटर निकल के आता। यस, ये हो गया हमारा कुलचा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हो। मैं एक्चुअली इस पे हमने जो जीरा और धनिया का जो दरदरा पीसा था वो वाला मसाला डालूंगी इसके ऊपर, और थोड़ा सा धनिया डालूंगी चॉप करके, और थोड़ा सा जस्ट लाइटली बेल लूंगी, ओके। इसको आप तवे पे भी बना सकते हो, मैं आपको तवे पे भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। पहले हम लोग कुकर वाला बना लेते हैं, ओके। ये देखिए मैंने जस्ट लाइटली इसको बेल लिया। अभी मैं इसको उल्टा करूंगी, उल्टा करके इसके ये साइड पे मैं पानी लगा लूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ब्रश से अच्छे से लगा लेना। ये पानी वाला जो पोर्शन है ये हमको कुकर में चिपकाना है वो साइड से, तो क्या हो जाएगा, पानी की वजह से वो चिपक जाएगा और जब पकेगा तो वो साइड छोड़ने लगेगा। तो ये हमको अभी हम लोग इसको कुकर में लगाते हैं, जास्त करो। हाँ ये देखिए नमक का पानी कैसे ये हो गया है, इसमें ये कुलचा मैंने डाला, इसको थोड़ा दबा देना है, यानी क्या हो जाएगा कि वो अच्छे से पक जाएगा, ओके। अगर ये थोड़ा सा फ्लैट होता तो और अच्छे से फ्लैट हो जाता। इसको हमको ऐसे रख देना है एकदम मीडियम फ्लेम पे। अभी ये देखिए कैसे पक रहा है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको ऐसे उल्टा रखूंगी कुकर को,
देखिए मैं आपको अभी तवा पे कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसमें नमक का पानी डाला है, जैसे हमने इस पे किया था उसी तरीके से मैं अभी इसको भी ऐसे पानी लगा लूँगी। ओके, और जो साइड पे मैंने पानी लगाया है वो वाली साइड मैं इस पे डाल दूँगी। ओके, अभी थोड़ा सा उसको प्रेस करना है अच्छे से, क्योंकि नीचे से भी पकना चाहिए और फूलना नहीं चाहिए वो, इसीलिए। ओके, और अभी मैं ये तवा को उल्टा करूँगी ऐसे, और उल्टा करके मैं इसको पका लूँगी फ्लेम पे। देखिए अभी ये फूल भी गया है अच्छे से और अच्छे से बुन भी गया है। देखिए ये दोनों साइड से कितना अच्छे से फ्राई हो गया है, ये तवे वाला हमारा बनके रेडी है। देखिए ये हमारा कुकर का कुलचा बनके रेडी है। अभी मैं तुरंत इसको बटर लगाऊंगी, गरम गरम में बटर लगाई है, घी भी लगा सकते हैं। ओके, देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम तंदूर इफेक्ट। ये हमारा कुलचा रेडी है, ये वाला जो है वो हमने कुकर में बनाया है, ये वाला हमने तवे पे बनाया। ओके, देन रेडी टू सर्व। ये आप छोले के साथ वगैरह भी खा सकते हो, अभी मैंने अचार और कर्ड के साथ इसको सर्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय।